हाँ जी, गुड इवनिंग. फर्स्टली मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट विच यू नीड टू सेलिब्रेट. अब जैसे ही आपकी सेलिब्रेशंस खत्म होगी, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए. नाउ दिस इज वन क्वेश्चन जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट करा है, कोर्स कंप्लीट करते ही आपके माइंड में आता ही आता है और बहुत नेचुरल भी आना. क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सोचा इस बारे में और 5 साल 10 साल बाद कोई भी चीज़ परस्यू करने के बाद सोचा, तो उस टाइम पर आप स्विच नहीं कर पाएंगे. अब जैसे ही आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, आप किसी भी इंसान से इस क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे तो आपको एक सबसे कॉमन एडवाइस क्या मिलेगी, वो चीज़ करो जो आपके मन की है. क्योंकि मन की चीज़ करोगे तो काम काम नहीं लगेगा और दिन ऐसे कट जाएगा. नाउ एज गुड एज दिस एडवाइस साउंड्स, ये एडवाइस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है. क्यों? देखिए, मैं एक आपकी करियर की टाइमलाइन बनाता हूँ और उसको बना के आपको दिखाता हूँ कि क्यों मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है. लेट अस से ये आपके करियर की टाइमलाइन है. आप यहाँ पे सीए बन जाते हैं. सीए बनने के बाद आप सोच रहे हैं आप क्या कर सकते हैं. आप या तो जॉब कर सकते हैं या आप बिजनेस कर सकते हैं. जब आप सोचेंगे आप कैसी कैसी जॉब्स कर सकते हैं, तो देयर इज़ अगेन अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ जॉब्स जो कि सीएज़ के लिए अवेलेबल होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ स्टेट करना चाहूँ तो आप ऑडिट कर सकते हैं, आप टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी के अंदर जा सकते हैं वेरियस टाइप के रोल्स निभाने के लिए, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड रोल्स अपने अडॉप्ट कर सकते हैं किसी ना किसी कंपनी के अंदर, आप अदर लॉस से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जॉब्स में आप अलग अलग रोल्स अडॉप्ट कर सकते हैं. और सारी की सारी ये जो जॉब्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने आप में कि अगर इनमें से आप कोई भी चूज़ करते हैं तो आपकी पूरी जो करियर की एक लाइन होगी, दिस इज गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वुड हैव बीन अगर आप कोई और जॉब चूज़ करते. सिमिलर लाइन्स पर अगर हम देखें, अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी यही चीज़ है कि बिजनेस में भी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ बिजनेसेस जो आप कर सकते हैं. आप 50 टाइप के बिजनेसेस एंटर इनटू कर सकते हैं और हर टाइप का बिजनेस आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप की लाइफ देगा. डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मनी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम दैट यू नीड टू पुट इनटू दैट बिजनेस. सिमिलरली जॉब्स में भी डिफरेंट है. मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ. आपको एक प्रपोजल देता हूँ मैं. आप अभी अभी सीए बने हैं, एज्यूमिंग आपने स्टैट ऑडिट में काम करा है इन 3 साल की आर्टिकलशिप में जो आपने अभी तक कंप्लीट कर ली होगी. मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ कि आपको मैं 14 लाख पर एनम दूंगा. आपको मेरी कंपनी में ड्यू डिलीजेंस का काम करना है मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के अंदर. और ये जो ड्यू डिलीजेंस का काम है आपको पूरी लाइफ करना होगा. मैं आपको इसके लिए क्या चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको एज अ फ्रेशर सीए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी जॉब में और आपको इतनी इनकम दी जाएगी. आगे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इन वेरियस पोजिशंस आपको कुछ नहीं पता. आगे आपकी इनकम क्या हो सकती है कुछ नहीं पता. उन सब चीज़ों को छोड़ो, आपको ये भी नहीं पता कि आप अभी एज अ फ्रेशर सीए जब जाएंगे तो एक्चुअली काम क्या होगा. पेपर पे जॉब प्रोफाइल लिख देना, काम का ओवरव्यू दे देना, इट डज़ नॉट रियली हेल्प. क्योंकि आपको पता नहीं चलने वाला कि आपकी एक्चुअली लाइफ होगी कैसी और आपका मन लगेगा या नहीं लगेगा उस टाइप के काम पे. दिस प्रॉब्लम गोज फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जॉब एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस. आपने जिस भी फील्ड में आर्टिकलशिप करी है उसके बारे में तो आपको आइडिया होता है, लेकिन उसके अलावा किसी और जॉब या किसी और बिजनेस के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता. तो हम कैसे बता दें कि किस चीज़ में हमारा मन लगेगा. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर कि आपका किस चीज़ में मन लगेगा. वो करने लग जाओ, पता ही नहीं किस चीज़ में मन लगेगा. अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे हमें नहीं चूज़ करना कि हमें कौन सा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, तो किस बेसिस पे चूज़ करें हम, ये डिसीजन ले किस बेसिस पे. देखिए मेरे हिसाब से आपके माइंड में एक सिंपल सा एनालिसिस चलना चाहिए. जिस दिन भी आप सीए बनते हैं या फिर आप फॉर दैट मैटर कोई भी डिग्री अटेन करते हैं, चाहे वो लॉ की हो, एमबीए हो, कोई भी डिग्री हो, उस डिग्री को अटेन करते ही आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए अपने फ्यूचर की और एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि आज जब आपको ये डिग्री मिल चुकी है और अब आपके पास ये डिसीजन लेने का मौका आया है कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, उस दिन पे क्या आप पैशनेट हैं एक्चुअली किसी ऐसी चीज़ को करने के लिए जो थोड़ी रिस्की है. जैसे कि कोई बिजनेस आपके माइंड में है जो आप करना चाहते हैं जिसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ ऐसी कोई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं विच इज़ अगेन प्रोबेबली गोइंग टू बी वेरी रेम्यूनरेटिव और नॉट गोइंग टू जनरेट एनी रेम्यूनरेशन. कोई भी रिस्की चीज़ आप करने के लिए पैशनेट हैं, पहली चीज़ अगर आप पैशनेट हैं. सेकेंडली आपके पास कोई आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है कि आप जैसे ही सीए बने आपकी फैमिली में हो सकता है कि आप सोल ब्रेड अर्नर हैं
और आपकी इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फैमिली को, तो उस टाइम पे आप रिस्क नहीं कर सकते कि मैं तो पैशन फॉलो करूँगा, दो तीन साल रुक जाऊँगा, दो तीन साल बेशक कुछ इनकम ना आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, फैमिली को ज़रूरत है पैसे की, तो उस टाइम पे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहली आपका कोई ना कोई पैशन है कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने का विच इज़ अ बिट रिस्की, सेकेंडली आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आप दो तीन साल पैसे ना भी कमाएं तो भी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, देन गो बिहाइंड योर पैशन। अब आपका पैशन क्या है, एनीथिंग जो आपको थोड़ा, जिसकी तरफ आप थोड़ा थोड़ा इंक्लाइंड हैं, क्यों इंक्लाइंड हैं, या तो आपको आर्टिकल्चर में वो चीज़ करने में मज़े आए थे, या फिर आप अपने किसी सीनियर को वो चीज़ करते देखते हैं और आपको कुछ ना कुछ होता है कि काश मैं भी ये चीज़ कर रहा होता, तो ट्राई इट आउट, वो बिजनेस या जॉब जो भी आप चाहते हैं जो थोड़ी रिस्की है, ट्राई इट आउट, उसको टाइम दीजिए, थोड़ा दो तीन साल दीजिए, इनकम नहीं भी हो रही तो टेंशन मत लीजिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस दो तीन साल के दौरान जब आप उस बिज़नेस को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, उसको फाइनेंशियली वायबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे डू समथिंग एल्स ऑल्सो, जो कि अगर तीन साल ख़त्म होने के बाद आपको किसी जॉब पे स्विच करना पड़ जाए तो आपको वो तीन साल खाली ना दिखाने पड़े कंपनी को किसी भी, आपको ये ना दिखाना पड़े कि तीन साल में खाली था, बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आ गया, नहीं, आप कंपनी के पास जाएं, बोलें कि तीन साल में खाली नहीं था, तीन साल मैंने बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश करी, बट वाइल आई वॉज डूइंग दैट आई ऑल्सो गॉट ट्रेंड इन दिस एक्ट, आई ऑल्सो गॉट दीज मैनी सर्टिफिकेट्स ऑफ दिस कोर्स, या फिर मैंने ये एक छोटा डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया, कुछ भी, यू हैव टू बी गिविन समथिंग अदर देन जो एक फ्रेशर CA लेके आता है, क्योंकि फ्रेशर CA उन्हें तीन साल बाद उस टाइम भी मिल रहे होंगे ना जो उस टाइम पे पास हो रहे होंगे, वॉट रीजन डू दे हैव टू हायर यू टू हायर अ 3-year-old CA फ्रेशर जिसने कुछ भी नया नहीं सीखा, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करनी है उनको, ताकि तीन साल बाद के लिए आपके पास बैकअप ऑप्शन खुला रहे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, अगर आपकी एस्पिरेशन है, कोई ऐसा पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, प्लस फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो यू कैन रिस्क इट, आप रिस्क ले सकते हैं दो तीन साल का वो बिजनेस या वो जॉब वेंचर चलाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपका कोई ऐसा पैशन था ही नहीं, या फिर पैशन था भी तो फाइनेंशियल बर्डन था, तो डेफिनेटली टेक अप अ जॉब, और जॉब लेने से पहले बिल्कुल भी सोचना मत, ये मत सोचना कि काश मैं बिजनेस कर रहा होता, मेरी ज़िंदगी क्या होती क्या नहीं होती, कितना मैं कमा रहा होता, जॉब में तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जॉब में आप ज़्यादा कमा नहीं सकते। आप एग्जांपल्स के तौर पे दे रहा है, न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर इन अ जॉब जो कि करोड़्स में कमाते हैं, करोड़्स भी क्या, हंड्रेड्स ऑफ करोड़्स में कमाते हैं। तो देर इज़ नो लिमिट जॉब में भी आज के टाइम पे कमाने के लिए। तो ये अपने माइंड से पहली चीज़ निकाल दीजिए कि अर्निंग्स नहीं होती। सेकेंडली, द थिंग दैट द जॉब पीपल क्रिब अबाउट इज़ कि सीनियर्स की सुननी पड़ती है, सैटरडे संडेज को बुला लेते हैं। मैं आपको बिजनेस का बताता हूँ, जॉब में आप पहली बात बिजनेस में सीनियर्स की तो नहीं सुनते बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में आपको क्लाइंट्स की सुननी पड़ती है जब भी कोई डील में दिक्कत आती है। सेकेंडली, जहाँ तक ये बात रही सैटरडे संडेज के लिए बुला लेते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में सैटरडे संडे छुट्टी हो, लेकिन आपका दिमाग कभी भी बिजनेस से बाहर जा ही नहीं सकता। ऑफिस में अगर आपके वर्किंग आवर्स हैं 10 to 7, तो 7 बजे के बाद आप ऑफिस की टेंशन घर लेके नहीं आते, आपको टेंशन नहीं है कि बिजनेस गिर रहा है ऑफिस वालों का, बिजनेस में ये टेंशन आपके साथ हमेशा रहेगी। सिमिलरली बिजनेस में जैसे एक लाइफस्टाइल की बात होती है कि हम कभी भी अपने फाइनेंशियल इनकम के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ तो ऐसा लाइफस्टाइल मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जॉब में आपको हमेशा पता है आप कैसा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम हमेशा एक लिनियर पेस के साथ ग्रो करती है, तो आप उसी हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं या कम करते हैं। बिजनेस में दिक्कत क्या आती है, कोई इंसान जो लेट्स से आज 2019 में 500 करोड़ कमा रहा है अपने बिजनेस के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल के बाद वो बंदा 500 करोड़ के डेट में हो, कुछ कमाना तो दूर की बात है, डेट में चल रहा है और इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उनकी सारी एसेट्स बेची जाएंगी, तो वो इंसान किस हिसाब से अपनी एसेट्स, किस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करे, कुछ नहीं पता। अभी बूम है इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, 5 साल बाद हो सकता है ट्रेंड्स चेंज हो गए, डायनामिक हो गया एनवायरमेंट, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया, एकदम से सारे प्रॉफिट उड़ गए। टेक एयरटेल फॉर एन एग्जाम्पल, कब एयरटेल इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था, अब एकदम से जैसे जियो आ गया सिनेरियो में उनके सारे प्रॉफिट्स वाइप ऑफ हो चुके हैं। तो बिजनेसेस आर वेरी रिस्की इन दैट सेंस, जॉब्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो अगर आपको जॉब लेनी भी पड़ गई इस रीज़न की वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं था उस चीज़ के लिए, या फिर मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था फैमिली की तरफ से, या फिर मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी जब तक मैं CA बना, तो जॉब लेते हुए ये मत सोचना कि आप कुछ कम कर रहे हैं, आप कुछ भी कम नहीं कर रहे, जॉब इज़ इक्वली गुड, और जॉब में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मेरे हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मत सोचिए, दोनों अच्छी होती हैं, जस्ट गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।